नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR Academy में। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट फिर से लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले वो है IPM मॉड्यूल फॉर राइस। राइस के लिए हमारे कौन कौन से IPM मॉड्यूल्स हैं, मीन्स अगर राइस में कोई पेस्ट लग रहा है तो कब से हमें उसमें पेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए, उसका जो एक मॉड्यूल होता है वो दिया गया। सबसे पहले तो सबसे पहला जो वो है हिस्पा, तो राइस हिस्पा जो होता है उसके लिए ETL जब होता है वो होता है 1 से 2 एडल्ट पर हेल। प्रत्येक हिल में अगर 1 से 2 एडल्ट होंगे तो वो ETL लेवल होगा, लेकिन 1 से 2 से ज़्यादा अगर एडल्ट होने लगेंगे उसमें तो फिर उसमें हमें क्या होने लगेगा, EIEL स्टेज पर पहुंच जाएंगे और वहां पर फिर हमें क्या करना होगा, कंट्रोल स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो ETL लेवल होता है वो 1 से 2 एडल्ट होने पर होता है। उसी तरह BPH का जो होता है वो होता है ETL लेवल 5 से 10 हॉपर पर हिल। जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है उसमें अगर एक हिल में 5 से 10 हॉपर्स हैं तो वो ETL लेवल पर रहेगा, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा हॉपर्स हो रहे हैं तो फिर वो जो है EIEL लेवल पे होने लगेगा। इसका मतलब वहाँ से फिर वो क्या होने लगेगा, इकोनॉमिक लॉस होने लगेगा। अवॉइडिंग यूज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन विच इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर एंड लीफ होल्डर। तो एक्सेस नाइट्रोजन जो है उसका यूज हमें कम कर देना चाहिए अगर ब्राउन प्लांट हॉपर और लीफ होल्डर हमें क्रॉप में दिख रहा है। इसके बाद अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग फॉर BPH। तो ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए क्या करना चाहिए कि अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करने चाहिए, मतलब एक बार पानी लगा के इरीगेशन करके फिर उसको सुखा कर फिर इरीगेशन करके, इस तरह अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग करते रहना चाहिए। अवॉइडेड क्लोज प्लांटिंग इन केस ऑफ BPH एपिडेमिक एरिया। अगर BPH एपिडेमिक एरिया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि जो क्लोज प्लांटिंग है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। पासिंग द रोप ऑन द क्रॉप एंड ड्रेनिंग द वाटर फॉर केस वॉर्म। तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो है वाटर ड्रेन कर देना चाहिए, किसके लिए, जो केस वार्म होते हैं उनके लिए। यूजिंग द लाइट ट्रैप टू मॉनिटर BPH। लाइट ट्रैप का यूज करना चाहिए और ग्रीन प्लांट हॉपर एंड स्टेम बोरर के लिए, किसके लिए, BPH ग्रीन प्लांट हॉपर और स्टेम बोरर के लिए हमें लाइट ट्रैप का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लिपिंग ऑफ सीडलिंग टिप्स फॉर राइस हिस्पा थ्रिप्स एंड येलो स्टेम बोरर। तो क्या कर देनी चाहिए, जो सीडलिंग होती है सीडलिंग का ऊपरी पोर्शन होता है टॉप पोर्शन होता है उसकी क्लिपिंग कर देनी चाहिए, किसके लिए, राइस हिस्पा थ्रिप्स और येलो स्टेम बोरर के लिए। यूज ऑफ NSICE नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 50% और नीम ऑयल फॉर ईयर हेडबग। ईयर हेडबग के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 50% नीम ऑयल और नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का यूज करना चाहिए। इसके बाद है IPM मॉड्यूल फॉर कॉटन। कॉटन के लिए क्या IPM मॉड्यूल होता है, ETL वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पेस्ट जो होते हैं, तो लीफ ऑपर के लिए होती है 1 से 2 पर लीफ। अगर लीफ ऑपर 1 से 2 हैं, 2 तक है हमारे प्रत्येक लीफ में, तो वो हमारा ETL लेवल पर रहेगा। इसके बाद वाइट फ्लाइज है अगर 5 से 10 पर लीफ में है या फिर एडल्ट और 20 निम्फ पर लीफ में है। अगर हमारे जो वाइट फ्लाई हैं वो 5 से 10 हैं एक लीफ में, या तो फिर अगर एडल्ट होते हैं जो उनके, या फिर निम्फ वो 20 हैं अगर प्रत्येक लीफ में, तो फिर वो हमारे ETL लेवल पर कहलाएंगे। इसके बाद बॉल वर्म जो होते हैं वो 10% सूट्स पर बॉल डैमेज। अगर प्रत्येक सूट के जितने भी बॉल्स हैं उसमें अगर वो 10% डैमेज हो रहे हैं तो वो हमारा ETL लेवल पर रहेगा, लेकिन अगर डैमेज परसेंट ज़्यादा होने लगता है तो फिर वो हमारा EIEL लेवल पर पहुंच जाएगा। इसके बाद स्टेम वीवी ले जो, तो 10% इन्फेस्टेड प्लांट, अगर प्लांट पूरा 10% इन्फेस्टेड है तो वो हमारा ETL लेवल पर कहलाएगा। इसके बाद है स्पोरोप्टेरा 8x मासेज पर 100 मीटर रो। अगर 100 मीटर रो में 8 अंडों के क्या है, मासेज हैं, मतलब प्रत्येक जगह पर अंडे रखे हुए हैं, 8 जगह पर अगर रखे हुए हैं तो हमारा ETL लेवल पर रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा पर फिर वो EIEL लेवल पर आ जाएगा। इसके लिए जो है यूज लाइट ट्रैप फॉर हॉपर्स स्पोरोप्टेरा एंड बॉलवर। तो क्या करते हैं कि जो हॉपर्स होते हैं स्पोरोप्टेरा होते हैं और बॉलवर्स होते हैं उनके लिए हम लाइट ट्रैप का यूज़ करते हैं। यूज फेरोमोन ट्रैप फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रक्शन। फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करते हैं मॉनिटर करने के लिए और जो इंसेक्ट होते हैं पेस्ट होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन के लिए। कलेक्शन एंड
डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड इन्फेक्टेड बॉल्स, जो प्लांट पार्ट्स होते हैं या इन्फेक्टेड बॉल्स होते हैं उनका क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं और उनको फिर आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ कॉटन पेस्ट दैट इज क्राइसोपरला एंड ट्राइकोग्रामा स्पेसीज, तो जो नेचुरल एनिमीज होते हैं कॉटन के जैसे क्राइसोपरला हो गया, ट्राइकोग्रामा हो गया, इनका यूज करते रहना चाहिए। तो ये हमारे IPM मॉड्यूल थे राइस और कॉटन के लिए। अब बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स की। तो सबसे पहले है जो राइस के इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला है पेस्ट हमारा येलो स्टेम बोरर, तो इसका जो वैज्ञानिक नेम है तो वो है साइंटिफिक नेम ट्राइफोराइजा या फिर सर्पोफैगा इंसर्टुलस। ट्राइफोराइजा दो जीनस इसके, ट्राइफोराइजा और सर्पोफैगा, और जो इसकी स्पीसीज जो है इंसर्टुलस। इसकी फैमिली जो होती है वो होती है पायरिलिडी, और जो ये है लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट है। तो इसका ऑर्डर और आपको इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। इसके बाद ये मोनोफैगस है और एब्सोल्यूट पेस्ट ऑफ राइस है। मोनोफैगस पेस्ट है और एब्सोल्यूट पेस्ट है। फुल ग्रोन लार्वी हाइबरनेट इन राइस स्टेबल, जो फुल ग्रोन लार्वी होती है वो हाइबरनेशन में चली जाती है, किसमें, राइस के स्टेबल जो होते हैं, जो बचा कुचा पार्ट होता है बाद में राइस के कल्टीवेशन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, उनमें इसके क्या होते हैं, जो लार्वी जो है हाइबरनेशन अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब फील्ड में दोबारा से सोइंग होती है तब फिर ये दोबारा से क्या होते हैं, अपनी हाइबरनेशन अवस्था से बाहर आ जाते हैं और फिर ये इन्फेक्शन करते हैं। इट प्यूपेट्स इनसाइड द प्लांट, तो इनके जो प्यूपा होते हैं वो प्लांट के अंदर देते हैं। फुल ग्रोन लार्वी मेजर्स अबाउट 20 mm, जो फुल ग्रोन लार्वा होता है वो लगभग 20 mm तक का होता है। एडल्ट्स आर डर्टी वाइट, और जो एडल्ट होते हैं वो डर्टी वाइट होते हैं या फिर ग्रीनिश येलो, जो उनके फ्रंट विंग होते हैं वो ग्रीनिश येलो होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं डैमेज के वो क्या होते हैं, कैटरपिलर एलोन इन इज डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट एंड इमरजेंस सोल विच ऑलवेज लोकेटेड अबव द वाटर लेवल। तो कैटरपिलर जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, अकेले ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं किसमें, प्लांट्स में, जो कि वाटर लेवल से ऊपर होता है, जहाँ से फिर क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कैटरपिलर प्रोड्यूस डेड हर्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो होल बना लेते हैं कैटरपिलर वो हमारा डेड हर्ट्स कहलाता है, जो अफेक्टेड प्लांट में होता है ये स्ट्रक्चर इस तरह का, वो डेड हर्ट कहलाता है। प्लांट्स दैट इज अटैक्ड इन अर्ली स्टेज प्रोड्यूस ईयर्स डिवाइड ऑफ ग्रेन्स एंड आर नोन एज वाइट ईयर्स, और जो प्लांट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में अटैक हो जाता है जिनमें, लेकिन वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनमें क्या होता है कि ग्रेन नहीं बन पाता है, और ऐसे स्थिति कंडीशन क्या कहलाती है, वाइट ईयर। नेक्स्ट बासमती वराइटीज सफर हैवी डैमेज दैन कोर्स वराइटीज, तो जो बासमती वराइटीज होती हैं धान की, राइस की, वो उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है इसका। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप स्टबल, जो रिमूवल और डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जो क्रॉप का बचा हुआ अवशेष होता है, रिड्यूस होता है, उसको क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं और डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। सिंस एक्स ऑफ स्टेम बोरर आर लेड नियर टिप ऑफ लीव हेंस क्लिपिंग एंड बर्निंग ऑफ टिप्स, जो नर्सरी होती है उसकी जो टॉप पोर्सन होता है उसका क्लिपिंग कर देते हैं और बर्निंग कर देते हैं एज अ रूटीन बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग से पहले। एप्लीकेशन ऑफ कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइस हिस्पा, जो साइंटिफिक नेम जिसका है हमारा डिक्लोरिस्पा हर्मीगेरा, इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये, और जो इसकी फैमिली है वो क्राइसोमेलिडी, और ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। सीरियस पेस्ट ऑफ राइस स्मॉल ब्लूइश ब्लैक बीटल रिकॉग्नाइज बाय न्यूमरस शॉर्ट स्पाइन ऑन द बॉडी, तो इसकी बॉडी में क्या होते हैं कि शॉर्ट स्पाइन होते हैं, धारियाँ होती हैं, विच गिव्स अ करेक्टरिस्टिक अपियरेंस, जो इसका मेन करेक्टर है। इसके जो सिम्टम होते हैं, डैमेज इज डन बाय लार्वा एज लीफ माइनर्स, जो लीफ माइनर्स होते हैं उसी तरह के डैमेज होता है इसके लार्वा के द्वारा। प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेस ऑन द लीफ सरफेस, जो कि ट्रांसपेरेंट ब्लॉचेस बना देते हैं लीफ की सरफेस पे। द एडल्ट आल्सो फीड ऑन ग्रीन मैटर, जो एडल्ट होते हैं वो जो प्लांट्स का ग्रीन मैटर होता है उसको भी खाते हैं, और प्रोड्यूस पैरेलल वाइटिश स्ट्रिक्स ऑन लीव्स, और लीव्स में क्या करते हैं कि सफ़ेद धारियाँ बनाते हैं। सीवियरली इन्फेक्टेड लीव्स ड्राई अप एंड प्रेजेंट अ वाइट ड्राइड अप अपीयरेंस इन द फील्ड, तो जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं वो सूख जाती हैं और एक वाइट ड्राइड अप अपीयरेंस फील्ड पे दिखाई देता है। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, नर्सरी बेड्स आर फ्लडेड, जो नर्सरी बेड्स होती हैं उनको पानी से भर देते हैं। द फ्लोटेड बीटल्स आर कलेक्टेड बाई नेट्स एंड किल्ड, तो उससे जो क्या होता है, जो बीटल्स होते हैं वो भी पानी में तैरने लगते हैं, फिर उनको नेट के द्वारा कलेक्ट करके उनको मार दिया जाता है।
क्लिप ऑफ द लीफ टिप्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग टू किल द एग्स। तो जो लीफ की टिप्स होती है उनकी क्लिपिंग कर देते हैं पहले ट्रांसप्लांटिंग से पहले। क्लोरपाइरीफाइस का यूज करते हैं और लार्वल पैरासाइट ऑफ स्पाइस यूलोफस फेमोरेलिस जो पैरासाइट होता है पैरासिटॉइड होता है लार्वल वो है हमारा यूलोफस फेमोरेलिस इस पर लिए तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट राइस गंधी बग। तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका साइंटिफिक नेम लेप्टोकोराइजा एक्यूटा पूछा जाता है और फैमिली इसकी कोराइडी है और ये जो है हेमिप्टेरा ऑर्डर का पेस्ट है। पीरियोडिक पेस्ट ऑफ राइस तो ये पीरियोडिक पेस्ट है राइस का। और एडल्ट बग्स हैव लॉन्ग लेग्स। इसके जो एडल्ट बग होते हैं उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं एंड आर स्लेंडर अबाउट 20 mm लॉन्ग और ये 20 mm तक लॉन्ग होते हैं। इसका जो सिम्टम्स होता है डैमेज का वो होता है राइस फील्ड सीवरली अटैक बाई दिस पेस्ट इमिट अ रिपुगनेंट स्मेल। तो इसमें क्या होता है कि एक स्मेल जो अच्छी नहीं लगती ऐसी एक स्मेल होती है अगर फील्ड इन्फेक्टेड हो जाती है इससे और विच गिव दिस पेस्ट द नेम गंधी बग जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं इस स्मेल की वजह से ही इस पेस्ट का नाम गंधी बग रखा गया है। द निम्फ एंड एडल्ट सक जूस जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो सक क्या करते हैं कि जो सेल सैप होता है उसकी सकिंग करती हैं फ्रॉम डेवलपिंग ग्रेन्स इन द मिल्की स्टेज जो कि डेवलपिंग ग्रेन्स होते हैं मिल्की स्टेज में जो ग्रेन्स बनते हैं उनके जो सेल सैप होता है उसको सक कर लेते हैं कॉजिंग इनकम्प्लीटली फिल्ड पैनिकल्स और पैनिकल विद इम्पटी ग्रेन्स। तो जिससे क्या होता है कि जो पैनिकल्स होते हैं वो अच्छे से फिल नहीं होते हैं या तो फिर फिल ही नहीं होते हैं। ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट आर अपीयरिंग अराउंड द होल्स तो ब्लैक और ब्राउन स्पॉट दिखाई देते हैं अराउंड द होल जो भी होल्स बनाते हैं मेड बाय द बग्स ऑन विच अ सूटी मोल्ड में डेवलप। तो ये एक होल बनाते हैं उसके चारों तरफ ब्लैक और ब्राउन स्पॉट दिखाते हैं और ये होल पर सूटी मोल्ड डेवलप हो जाते हैं। दिस पेस्ट अटैक द राइस क्रॉप पीरियोडिकली तो समय समय पर इस पेस्ट के द्वारा राइस में इन्फेक्शन होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं क्लीन कल्टीवेशन पैडी फील्ड एंड सराउंडिंग बंड्स शुड बी केप्ट क्लीन फ्रॉम वीड्स। तो जो भी पैडी की फील्ड है और उसके आसपास का जो भी फील्ड है उसको वीड्स से हम क्या करते हैं फ्री रखते हैं और क्लीन रखते हैं। एडल्ट बग कैप्चर्ड थ्रू लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉयड तो लाइट ट्रैप का यूज करते हैं जिससे एडल्ट को हम क्या करते हैं कैप्चर करते हैं। हैंड कलेक्शन ऑफ बग्स और बग्स के लिए हम हैंड कलेक्शन का यूज करते हैं हाथों से उनको कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं और जो है रजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करते हैं जैसे हमारी बादशाह हो वैरायटी और स्प्रे मेलाथियन मेलाथियन का हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पेस्ट है वो हमारा बीपीएस ब्राउन प्लांट हॉपर जिसका नाम है हमारा नीला पर्वता लुगेंस और इसकी जो फैमिली है वो है डेल्फासिडी और ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का पेस्ट है। तो ये सीरियस पेस्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ पैडी जो भी हाई यील्डिंग वैरायटीज होती हैं उनका ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेस्ट है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बोथ निम्फ एंड एडल्ट कॉज डैमेज बाय सकिंग सेल सैप फ्रॉम लीफ विस्टर येलो। तो ये सेल सैप चूसते हैं कहाँ से पत्तियों से जिससे क्या होती हैं पत्तियाँ येलो हो जाती हैं। अंडर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी जो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है वो हाई ह्यूमिडिटी और हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है जबकि हवा नहीं चलती है और क्रॉप में ज़्यादा नाइट्रोजन यूज किया जाता है ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। उसमें ये क्या करते हैं अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं एंड हॉपर बर्म इज ऑब्टेंड इन वेरियस लोकलिटीज इसकी वजह से हॉपर बर्म हो जाता है। इट ट्रांसमिटेड द ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस तो ये ग्रासी स्टंट वायरस को ट्रांसमिट करने का काम भी करता है। इसका जो मैनेजमेंट है वो क्लोजर स्पेसिंग शुड बी अवॉइड जो क्लोजर स्पेसिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए और स्पेसिंग ऑफ 20-50 cm फॉलो करनी चाहिए। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग करनी चाहिए फील्ड की एले 30 cm वाइड आफ्टर एवरी 3 meters ऑफ राइस प्लांटिंग प्रोवाइड प्रॉपर एरेशन टू क्रॉप। स्प्रे ऑफ 100 ml इमिडाक्लोप्रिड विद 250 liters ऑफ वाटर या फिर मल्टी जीन रेजिस्टेंट वराइटीज का यूज करते हैं जैसे IR36 IR60। नेक्स्ट हमारा राइस केसवर्म तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है निम्पुला डेपुंगटेलिस और इसकी जो फैमिली है वो है पायरेलिडी और ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का हमारा पेस्ट है। तो द लार्वा आर लाइट ग्रीन इसका जो लार्वा होता है वो लाइट ग्रीन होता है विद अ लाइट ब्राउनिश ऑरेंज हेड और इसका जो हेड होता है वो लाइट ब्राउनिश ऑरेंज होता है। द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंटस गिल्स ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ द लार्वा इज हेल्पफुल फॉर इट्स सेमी एक्वेटिक लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के साइड में गिल्स भी पाए जाते हैं फिलामेंटस गिल्स मतलब एक गिल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है
जो कि इसको सेमी एक्वेटिक भी बनाता है, मीन्स ये वाटर में भी जिंदा रह सकता है। इट ड्राइव्स इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द वाटर फाउंड इनसाइड द लीफ केस। तो ये क्या करता है कि वाटर के अंदर से भी अपनी रिक्वायरमेंट को ले सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ट्यूबुलर केसेस कंस्ट्रक्टेड बाय द लार्वी। तो जो है ट्यूबुलर केस बनाए जाते हैं किसके द्वारा, लार्वी के द्वारा। लार्वी फीड बाय स्क्रैपिंग द अंडर सर्फेस ऑफ द लीफ ब्लेड लीविंग द अपर एपिडर्मिस इंटैक्ट। तो जो अंडर सर्फेस होती है लीव्स की उसमें ये क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, मीन्स खुरचते हैं और उसी से अपनी फीडिंग करते हैं। इसके जो मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, अ रोप मे बी पास टू ओवर द यंग क्रॉप फॉर डिसलॉजिंग द लार्वा केस। तो इसमें क्या करते हैं, एक रोप को क्या करते हैं दो तरफ से पकड़ के उसको पूरी फील्ड में पानी भर के क्या करते हैं कि घसीटते हैं, जिससे क्या होता है जो भी प्लांट में ये होते हैं तो वो उस प्लांट से गिर जाते हैं। पुट फिल्टर बैरियर बिटवीन इरीगेशन चैनल ऑफ डिफरेंट फील्ड। तो फिल्टर बैरियर का यूज करते हैं इरीगेशन चैनल्स में। अब अदर पेस्ट ऑफ राइस, उसमें सबसे पहले ग्रीन लीफ हॉपर, तो इसका जो नाम है वो है नेपोटेटिक्स निग्रोपिक्टस, या फिर इस दो स्पेसीज है निग्रोपिक्टस और विरेसेंस, और ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का है और इसकी फैमिली जो है सिका डेरिडिया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर ऑफ वायरस डिजीज। वायरस डिजीज का ये वेक्टर का काम करता है जिससे टुंगरू होता है। नेक्स्ट हमारा व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोगाटेला क्रूसीफेरा और इसकी फैमिली हमारी डेल्फासिडी और हेमिप्टेरा ऑर्डर। कॉज रस्ट है रस्ट रेड सिम्टम, इसके जो सिम्टम होते हैं वो रस्ट लाइक होते हैं, जिस तरह रस्ट में रेड कलर दिखाई देता है उसी तरह इससे भी हमें रेड अपीयरेंस दिखता है। नेक्स्ट है राइस गालमिज, जो कि है ओर्सेलिया ओराइजी और इसकी जो फैमिली है वो है सेकोडोमाइडी और इसका जो ऑर्डर है वो है डिप्टेरा। कॉज सिल्वर सूट एंड ऑनियन लीफ सिम्टम, सिल्वर सूट और ऑनियन लीव्स की तरह इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है राइस थ्रिप्स, जो है स्टेनोचेलोथ्रिप्स बाई फॉर्मेस, इसकी जो फैमिली है वो थ्रीपीडी और इसका जो ऑर्डर हुआ है थाइसनोप्टेरा। इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ राइस नर्सरी, तो ये इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि राइस थ्रिप्स किसका इम्पॉर्टेंट पेस्ट है नर्सरी का, या तो फिर आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग का या क्रॉप का है, तो ये है हमारा राइस नर्सरी का। नेक्स्ट हमारा राइस क्रॉस हॉपर जो है हीरोग्लाइफस बनियान, इसकी जो फैमिली है वो है एक्रिडिडी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है और ऑर्डर पूछा जाता है वो है ऑर्थोप्टेरा। डैमेज बाय निबलिंग ऑफ राइस ईयर हेड, राइस ईयर हेड की निबलिंग करता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा छठवां लेक्चर था और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, और इस समय थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से एक एक वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत ही जल्द फिर से हम 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।